दोस्तों आज हम बात करेंगे पंजाब में रैपिडली बढ़ते क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई धर्म की। राज्य में 65,000 से ज्यादा मिशनरी एक्टिव हैं और ऐसा माना जा रहा है कि पंजाब के ऑलमोस्ट सभी गांवों में एक या दो परिवार ईसाई बन चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और क्रिश्चियन लीडर्स का कहना है कि राज्य में क्रिश्चियन फॉलोअर्स का एक्चुअल नंबर 10-15% के बीच है, क्योंकि कन्वर्टेड क्रिश्चियन डॉक्यूमेंट्स पर दलित ही बने रहते हैं और आरक्षण के बेनिफिट्स लेते हैं। पंजाब में ईसाई धर्म का तेजी से बढ़ना एक सिग्निफिकेंट सोशल रिलीजियस डेवलपमेंट है जो रिसेंट ईयर्स में सभी का ध्यान आकर्षित कर रहा है। भारत में सबसे पहला चर्च 52 एडी में केरल में बनाया गया था। तब से भारत में ईसाई धर्म मिशनरी एक्टिविटीज एंड कन्वर्जन के माध्यम से फैल रहा है। ये साउथ इंडिया से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक फैला और कई स्टेट्स में लार्ज स्केल पर कन्वर्जन हुआ, जबकि इन मिशनरियों का भारत के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में बहुत कम इन्फ्लुएंस था। सिख डोमिनेटेड स्टेट पंजाब में पिछले एक दशक से क्रिश्चियन कन्वर्जन में असामान्य वृद्धि देखी गई है। आपको पंजाब के गाँव में ऐसे बहुत से अनगिनत पोस्टर दिखाई देंगे जिनमें क्रिश्चियनिटी का खुलकर प्रचार होता है। रिसेंट ईयर्स में बदलती डेमोग्राफिक ने राज्य में सिख और हिंदू दोनों ग्रुप्स को चिंता जताने के लिए मजबूर किया है। ईसाई धर्म ने सबसे पहले 1834 में पंजाब में प्रवेश किया। जॉन लॉरी और विलियम रेड इस एरिया के पहले मिशनरी थे। इसके अर्ली फॉलोअर्स में मोस्टली अर्बन और पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन सिखों, हिंदुओं और मुसलमानों की संख्या के मुकाबले उनकी संख्या काफी कम थी। इन सभी में सिख समुदाय सबसे बड़ा समूह था। करंट क्रिश्चियन मिशनरीज के टारगेट ग्रुप्स में हिंदू और सिखों के वो लोग शामिल हैं जिन्हें समाज में भेदभाव का सामना करना पड़ा है। ग्रामीण दलितों की इस मास कन्वर्जन ने मुख्य रूप से अर्बन क्रिश्चियंस को रूरल एंड बैकवर्ड कम्युनिटी में बदल दिया है। इसलिए पंजाबी क्रिश्चियंस को अब बैकवर्ड, इकोनॉमिकली अनस्टेबल, अनएजुकेटेड एंड लेस अर्बनाइज माना जाता है। पंजाब की 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सिख आबादी 58%, हिंदू आबादी 38%, मुस्लिम 2% तथा ईसाई 1.26% पर थी। जबकि मीडिया रिपोर्ट्स और क्रिश्चियन लीडर्स का कहना है कि अब राज्य में फॉलोअर्स का एक्चुअल नंबर 10-15% के बीच है, क्योंकि कन्वर्टेड क्रिश्चियन डॉक्यूमेंट पर दलित ही बने रहते हैं जिससे कि वो आरक्षण के बेनिफिट्स ले सके, जो बेनिफिट्स कन्वर्टेड क्रिश्चियंस को नहीं मिलते। अब जानते हैं कि आखिर लोग क्यों कन्वर्ट हो रहे हैं। हिंदू और सिख समुदाय के वो लोग क्रिश्चियनिटी में तेजी से तब्दील हो रहे हैं जो कि समाज से भेदभाव का शिकार हुए हैं और एक सम्मानजनक जीवन जीना चाहते हैं। हालांकि सिख धर्म इक्वेलिटी के सिद्धांतों पर बेस्ड था, लेकिन आज की सिख कम्युनिटी के बीच इसकी प्रैक्टिकलिटी इससे बहुत दूर है। अपर कास्ट जट मजहबी सिखों को नीची नजर से देखते हैं और उनके साथ अलग व्यवहार करते हैं। पंजाब के गांव में टूटे और जर्जर दलित गुरुद्वारों के ऊपर भव्य जट गुरुद्वारा देखना आम बात है। ग्रामीण इलाकों में अलग अलग जाति समूहों के लिए अलग अलग गुरुद्वारे हैं। नीची जाति के सिखों को ऊंची जाति के गुरुद्वारे में एंट्री नहीं दी जाती है। उन्हें विवाह या अंतिम संस्कार के अधिकार के संबंध में भी प्रतिदिन अपमान का सामना करना पड़ता है। इस तरह का भेदभाव मजहबी सिखों, वाल्मीकि हिंदुओं और दलितों के लिए अपने धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म अपनाने का रूट कॉज बन गया है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति SGPC सिखों के लिए सुप्रीम प्रोविजनल अथॉरिटी है। सिखों के बीच SGPC द्वारा धार्मिक प्रचार की कमी के कारण भी पंजाब के युवा सिखों में व्यापक रूप से धर्म त्याग हो रहा है। पंजाब में नकली गुरुओं और सूफी संतों की भी कोई कमी नहीं है, जिनमें से हर किसी की आइडियोलॉजी अलग अलग है। उनकी वाइड स्प्रेड इन्फ्लुएंस के कारण सिखों की अपने धर्म में आस्था कमजोर हो गई, इसलिए पंजाब में ईसाई धर्म को अपनाने वाले बहुत से लोग हैं। अब बात करते हैं कि इस कन्वर्जन के लिए लोगों को कैसे लुभाया जाता है। इसमें सबसे पहला नंबर है सोशल स्टेटस। मजहबी सिख निम्न जाति के हिंदू हैं जिन्होंने बेहतर सोशल स्टेटस के लिए पहले सिख धर्म अपना लिया था। मेजोरिटी अपर कास्ट सिखों द्वारा भेदभाव किए जाने के बाद वो अब ईसाई धर्म को अपना रहे हैं। इस प्रकार निम्न जाति के सिख और हिंदू सम्मानजनक जीवन जीने के लिए धर्म परिवर्तन के जाल में फंस गए हैं। दूसरा कारण है कास्ट डायनेमिक्स। भारत में जाति व्यवस्था हालांकि संवैधानिक रूप से समाप्त कर दी गई है, फिर भी आज भी यह हमारे समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पंजाब में दलितों और अन्य नीची जाति वाले समुदायों के लिए ईसाई धर्म में परिवर्तित होना जाति आधारित भेदभाव से बचने का एक रास्ता प्रदान करता है। ईसाई धर्म समानता और सम्मान का संदेश देता है जिससे ये लोग काफी जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। तीसरा रीजन है एक्सेस टू हेल्थ केयर। पंजाब भारत में सबसे कम सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय करने वाले राज्यों में से एक है, जिसके कारण लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज बहुत एक्सपेंसिव है। ईसाई मिशन द्वारा रन किए जा रहे अस्पतालों में फ्री मेडिकल एड का लालच देकर गरीबों को लुभाया जाता है। पंजाब में नशे की लत और यूथ का पतन भी काफी हो रहा है। चौथा कारण है एजुकेशन। पंजाब में स्कूल ड्रॉप आउट रेट देश में सबसे ज्यादा है। प्राइमरी स्कूल्स में एनरोल्ड 84% स्टूडेंट्स में से केवल 51.6% ही सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन लेते हैं। राज्य टीचर्स की शॉर्टेज से भी जूझ रहा है, जिससे क्वालिटी
मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इफेक्ट हो रही है। ग्रामीण पंजाब में ईसाई मिशनरी स्कूल कन्वर्ट फैमिलीज को फ्री सब्सिडाइज एजुकेशन प्रदान कर रहे हैं। गरीबों और दलितों के बच्चे भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो कि दलितों और गरीबों के लिए काफी मुश्किल है। और आसपास के गाँव के स्कूल तक फ्री बस सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। पांचवा रीजन है माइग्रेशन टू यूएसए, यूके, कनाडा। धर्म परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण यहाँ यूरोपियन कंट्रीज या कनाडा के लिए वीजा का वादा भी है। पंजाब के युवाओं को कोई फ्यूचर नहीं दिखता, क्योंकि राज्य कई पॉलिटिकल एंड सोशल इश्यूज से जूझ रहा है। पंजाब उन लीडिंग स्टेट्स में से एक है जहाँ वृद्ध आबादी का प्रतिशत बहुत ज्यादा है। कुछ गाँव में तो कोई भी युवा नहीं बचा है, क्योंकि वो सभी लोग विदेश जा चुके हैं। एक पंजाबी युवा की भारत छोड़ने और अब्रॉड जाने की डेस्पिरेशन किसी से छिपी नहीं है, जिसके लिए वो या तो जमीन बेचते हैं या फिर भारी कर्ज लेते हैं। छठा कारण है मिशनरी एक्टिविटीज। 2000 के दशक में पंजाब में ऑर्गेनाइज मिशनरी एक्टिविटीज में वृद्धि देखी गई है। ईसाई संदेश फैलाने के लिए प्रचारक मीडिया, सार्वजनिक समारोह और घर घर जाकर प्रचार करने सहित विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं। टीवी और सोशल मीडिया जैसी आधुनिक तकनीक के उपयोग ने भी उनकी पहुंच को बहुत बढ़ा दिया है। सातवां रीजन है सिमिलर कल्चरल आइकन। पंजाब में बिल्ट हो रहे चर्च की वास्तुकला गुरुद्वारे के ही समान है। कुछ कन्वर्टेड लोग अभी भी अपनी पगड़ी पहनना जारी रखते हैं, जिससे उन्हें बदलाव नहीं फील होता, जिसका एग्जांपल आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। कोई भी ईसाई गिद्दा, जो कि पंजाबी लोक नृत्य है, टप्पे, बोलियां और पंजाबी में यीशु की प्रशंसा में आपको कई गीत मिल जाएंगे। आठवां रीजन है अंधविश्वास। पंजाब में देश में सबसे ज्यादा कैंसर दर है। पादरी दावा करते हैं कि वो कैंसर और अदर डिसेबिलिटीज को ठीक कर सकते हैं, जिसके लिए खास तरह की प्रेयर्स की जाती है, जिसके बहुत से वीडियोस आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे। शोविनेस एंड फेक मिरेकल से अनएजुकेटेड और इनोसेंट पीपल्स इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। बाद में उनका ब्रेन वॉश किया जाता है कि ईसाई धर्म के अलावा किसी और धर्म का पालन करना उन्हें नरक में ले जाएगा। नवा रीजन है सेंस ऑफ कम्युनिटी। पंजाब में सालों से नागरिक अशांति का माहौल रहा है। सामाजिक आंदोलन और भी कई राजनीतिक कारणों से वहां अलग माहौल रहता है। राज्य सरकार और सिख संगठनों से परेशान लोगों के उत्थान के लिए बहुत काम नहीं किया गया। सालों से व्यवस्थित उत्पीड़न और उदासीनता से तंग आकर वो इमोशनल, सोशल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए चर्चेस की ओर मुड़ गए हैं। वहाँ उन्हें अश्योर किया जाता है कि अगर वो चर्च का हिस्सा बनेंगे तो उनका ख्याल रखा जाएगा। दसवां रीजन है पॉलिटिकल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट। हाल के वर्षों में पंजाब में बेरोजगारी और विशेषकर युवाओं में नशीली दवाओं की लत सहित सामाजिक आर्थिक चुनौतियाँ देखी गई है। इस संदर्भ में ईसाई धर्म का आशा, परिवर्तन और बेहतर जीवन का संदेश परिवर्तन चाहने वालों को उनकी ओर अट्रैक्ट करता है। इसके अलावा क्षेत्र में राजनीतिक गतिशीलता, सत्ता और प्रभाव के लिए कंपटीशन करने वाले विभिन्न धार्मिक और जाति समूहों ने भी ईसाई धर्म के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ओवरऑल पंजाब में ईसाई धर्म का तेजी से विकास हिस्टोरिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैक्टर्स के इन्फ्लुएंसेस का परिणाम है। सिखों और हिंदुओं के लीडर और पंजाब के कई लोग इस सब्जेक्ट पर चिंता जताते हैं। हालांकि ये कई लोगों के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड होप प्रोवाइड करता है। यह ऐसी चुनौतियाँ भी प्रस्तुत करता है जिनका समाधान क्षेत्र में सामाजिक एकता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।